बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी गरिमा बढ़ाई, बहुत हमें शोभा दिया, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर करियर। योर लव सम्माननीय कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी, आज से हम लोग भारत में, पूरी दुनिया में 2 साल के लिए महात्मा गांधी के 150वें वर्षगांठ को मनाएंगे। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है और आपने हमें बहुत ही ज्यादा ऑनर और प्रिविलेज दिया है कि आज नेपाल सरकार के हाईएस्ट लेवल से आप इस कार्यक्रम का नेपाल में यहाँ पर श्री गणेश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत छोटा है। इस कार्यक्रम में हम लोग एक स्लाइड शो, 12-13 स्लाइड्स हैं महात्मा गांधी के लाइफ एंड टाइम पे, और ये सारी रात यहाँ पर चलेंगी एक किस्म के चलचित्र के तरह, और ये लोगों के लिए है, ये बाहर से दूर से सड़क से नजर आएगा। ये जो कार्यक्रम है हम लोग सारी दुनिया में कर रहे हैं, जहां हो सकता है हर एक देश में आज शाम के दिन 6-7 बजे से लेके मिडनाइट और वहां तक ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण स्थलों पर, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स पर दर्शाया जाएगा, और इस तरह काठमांडू भी उन देशों के साथ, सारी दुनिया के साथ जुड़ रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश में जन्म लिया, जिनको हम अपने देश के पिता, फादर ऑफ द नेशन मानते हैं, लेकिन वो सारी दुनिया के हैं, और उस तरह आपने भी अपने आप को उनके साथ इस तरह जोड़ दिया है कि ये ग्लोबल इवेंट जो है, ये ग्लोबल सेलिब्रेशन जो है, उसमें आपकी इतनी बढ़त और आपकी इतनी बड़ी लीड होगी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, बिफोर आई एंड, आई मस्ट से अ फ्यू थिंग्स इन इंग्लिश एंड आई मस्ट से समथिंग अबाउट महात्मा गांधी। आप सब लोग जानते हैं कि बापू, जिस नाम से हम लोग उनको पुकारते हैं, हमारे लिए तो फादर ऑफ द नेशन है। उन्होंने हमारा स्वतंत्रता संग्राम, उसकी लीडरशिप की, उन्होंने हमें स्वाभिमान दिया, और उन्होंने हमारे लोगों को इस किस्म की एम्पावरमेंट दी कि आज हम गरिमा के साथ दुनिया में अपना सिर उठा के खड़े हो सकते हैं अमंग द कमिटी ऑफ नेशंस। गांधी जी भारत में पैदा हुए, इंग्लैंड में एजुकेटेड, साउथ अफ्रीका में लोग कहते हैं, और नेल्सन मंडेला के वर्ड्स हैं, आपने हमें गांधी दिया, हमने आपको महात्मा गांधी लौटाया। वहां पर उन्होंने एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल शुरुआत की, जिसको इतने बड़े पैमाने पे बाद में लेके गए लोग। उनका प्रभाव दुनिया में बहुत सारे और बड़े लीडर्स में, मैंने नेल्सन मंडेला का व्याख्या किया, मार्टिन लूथर किंग, बहुत सारे और लोग। और मैं मानता हूं कि चाहे गांधी जी यहां नेपाल में खुद ना आए हों, लेकिन आपके इतने सारे लोग जो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जो लोग भारत की स्वतंत्रता की जो स्ट्रगल है उसमें जुड़े, उन सब के कारण यहां पर भी कई सालों से, कई डेकेड से उनका प्रभाव यहां पर उस समय था और उसके बाद हमेशा रहा है। मुझे कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी ने कहा, यह कार्यक्रम आपका नहीं है, गांधी जी हमारे हैं और ये कार्यक्रम हम करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन लफ्जों को। एंड में मैं सिर्फ थोड़ा सा, छोटा सा आपको कुछ कहना चाहता हूं। आज भारत में यूएन सेक्रेटरी जनरल और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सैनिटेशन पर लॉन्च किया। इस पे आपकी मंत्रिमंडल की सदस्य श्रीमती बीना मगर भी शामिल है। सर, महात्मा गांधी के बहुत सारे फैसेट्स, जैसे मैंने कहा, हमें बहुत गर्व है कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए और हम उनको अपने फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, लेकिन असल में तो वो विश्व में एक ऐसे व्यक्ति थे, और ऐसे व्यक्ति थे जो बिल्कुल विश्व के व्यक्ति हैं। उनके बहुत फैसेट्स थे, नॉन वायलेंस, जो चीज हम हमेशा याद करते हैं, जिसके साथ हम उनको हमेशा जोड़ते हैं,
2007 में यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया अपनी जनरल असेंबली में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर। उसके बाद गांधी जी के इतने और फैसेट्स हैं। आज की रोजमर्रा में हम दो चीजें लेते हैं, खादी जो उन्होंने शुरू की, चरखा अभियान जो यहाँ नेपाल में इतने बड़े पैमाने पे तुलसी महर श्रेष्ठा जी लाए, और जो आगे इतना बड़ा आज एक फैशन स्टेटमेंट हो गया हम लोगों के लिए। उसके अलावा सैनिटेशन, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी सरकार की एक मुख्य ऑब्जेक्टिव स्वच्छ भारत स्कीम लॉन्च की। गांधी जी हमेशा स्वच्छता और उसको स्वास्थ्य के साथ जोड़ते थे, और हमारा मान्य है कि इस किस्म की जो मूवमेंट, एक और मूवमेंट, उन्होंने भारत से हमें कॉलोनियल राज से फ्री करने के लिए कोई जबरदस्त आर्म्ड रिबेलियन, कोई इस किस्म का चीज नहीं किया। उन्होंने लोगों में जागृति पैदा की कि आप खड़े होइए, कोई फर्क नहीं कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली ताकत जो है वो कॉलोनियल मास्टर्स हैं। आप लोग अगर इकट्ठे होंगे, अगर लोग इकट्ठे होंगे, अगर मास मूवमेंट होगी, तो उसके बाद वो मूवमेंट अपने आप सक्सेस होगी, क्योंकि दूसरी साइड जो है वो अपने आप देख लेगी कि हमारा फायदा है, कि इसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं, इसके साथ जुड़ जाइए और आगे जाए। इसी तरह हम मानते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट जो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर शुरू की, हमारे लिए बहुत भावनात्मक। उसी तरह स्वच्छता और इस अभियान को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब एक मास मूवमेंट में हिंदुस्तान में, भारत में बदल दिया, और ये अभियान जो है लोगों के स्तर पर, हर गांव के स्तर पर, हर सिटी के स्तर पर, हर कस्बे के स्तर पर ये लिया जा रहा है। और हम मानते हैं कि इसके साथ सैनिटेशन तो होगी होगी, जो स्वास्थ्य में पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा वो भी देखने लायक होगा, जिससे आर्थिक वृद्धि होती है और बहुत चीजें और जाए। भाई और बहनों, कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको कहा कि गांधी जी तो एक विश्व निवासी थे, एक विश्व के सदस्य थे, और हमारा स्वभाव है कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए और हम उनको हिंदुस्तानी मानते हैं। सर, कहा जाता है कि जब टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द मिलेनियम के लिए चॉइस किया 2000 में, तो एंड में दो लोग का नाम आया इन द फ्रंट एंड, एक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरे थे गांधी जी। एंड में अल्बर्ट आइंस्टाइन चुने गए, लेकिन नोटवर्दी चीज यह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के डेस्क पर प्रिंसटन में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, और वो थी महात्मा गांधी। मैं आप लोगों को यह कहूं, धन्यवाद, महात्मा गांधी के 70वें वर्षगांठ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, और मेरे को ये पढ़ने दीजिए, अंग्रेजी में बहुत अच्छे बोल रहे हैं, जेनरेशन टू कम इट मे वेल बी विल स्केर्स बिलीव दैट सच अ मैन एज दिस एवर इन फ्लेश एंड ब्लड वॉक द सर्फेस ऑफ दिस अर्थ। मेरा अपना मानना है कि हम इस बात की तो बहुत गरिमा करते हैं कि गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, और फादर ऑफ द नेशन हम मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि रीसेंट टाइम्स में शायद ही ऐसा कोई और मनुष्य होगा जो धरती पर आया जिसने इतना ज्यादा मानव जात के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए ऐसे वैल्यूज और ऐसे प्रिंसिपल्स ले डाउन किए। उनकी लाइफ उनका मैसेज था, पीस, नॉन वायलेंस और ट्रूथ उनका क्रीड था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नेपाल सरकार का खासकर, और महानगर पालिका काठमांडू का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, वी आर मोस्ट ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड बाय योर प्रेजेंस एंड द फैक्ट दैट यू आर लीडिंग दिस प्रोग्राम फॉर द सेलिब्रेशंस ऑफ 150 इयर्स ऑफ महात्मा गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद।